सबसे पहले तो मैं आपको रामनवमी की बधाई देता हूँ और क्षेत्र वासियों को भी। और इस घड़ी में, आप तक की इस घड़ी में, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोरोना के वायरस से जो आज पूरा देश इस घड़ी की आपदा से, पीड़ा से जूझ रहा है, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो है हमारा देश जो है वो आज सुखद रहे, जिसके लिए आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो लगातार चिंता कर रहे हैं, और खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी लगातार प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस आपदा की इस स्थिति में जो सबसे पहले जो आज जो सबसे बड़ी विपत्ति यहाँ पर यही है कि जो राशन की जो कमी, जो आज यहाँ पर एक कोई प्रवासी यहाँ पर ठहरे हैं, तो हमारा सबसे पहले यही है कि किसी को कोई व्यक्ति जो है वो भूखा ना सोए रात को, और जिसके लिए हम आज इसकी चिंता बराबर बनाए रखे हैं, और मैं भी लगातार सभी प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ, और आम जनता तक, आम एक गरीब व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको राशन उपलब्ध करवाया जाए, जिसके लिए आज हम लगातार जो लोगों को, जनता में को राशन पहुंचा रहे हैं, जो लगातार प्रशासन के माध्यम से ही हम जो आज एक राशन की कोई कमी नहीं है, और वहाँ पर आज मुख्य रूप से सब्जियों का भी प्रबंध किया गया है कि जो राशन के साथ साथ जनता को जहाँ कोई सब्जी नहीं मिलती है वो सब्जी का भी प्रावधान किया है, जिसके चलते आज मैं जो आज के प्रशासन के जो यहाँ की SDM छवि नांटा जी हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आज लगातार वो अपने घर की चिंता न करते हुए लगातार जो है आज इस क्षेत्र के लिए एक सच्चे सिपाही के रूप में जो सेवाएं दे रही है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आज मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा घर में होने के बावजूद भी आज इस घड़ी में लगातार अपनी सेवाएं देना एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और जिसका उनके कार्य से हर व्यक्ति जो खुश है। और साथ में जो हमारे DC महोदय राकेश प्रजापति जी, जो भी लगातार उनके मैं कार्यों से बहुत ही प्रभावित हूँ कि वो लगातार जो भी समस्या आ रही है उसको निपटाने के लिए एकदम तुरंत, जब भी मैं आप छोड़े अगर मैं बात करता हूँ फोन के माध्यम से तो एक सेकंड में फ़ोन उठाते हैं और लगातार यही कहते हैं कि प्रेमी जी कोई समस्या, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छे अधिकारी का यही संदेश होता है कि लगातार जनता के जो साथ जुड़े रहना। और ये जो कंट्रोल किया गया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की को भी मैं बधाई देता हूँ, खासकर जो जिला कांगड़ा में इतना जो कोरोना का वायरस की जो ये जो थी उसमें DC साहब को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत, और उनके प्रशासन को, SP को भी लगातार प्रशासन को मैं इसका जो है बधाई देता हूँ। बैजनाथ क्षेत्र में अभी तक कितने परिवारों को जो है राशन सब्जी उपलब्ध करवाई गई है? बैजनाथ में लगातार एक दिन का आंकड़ा आप ले लीजिए कि लगभग 150 के करीब जो लोगों को जो है दिन का जो राशन, ये आंकड़ा जो है दिन का है कि दिन के लगभग 150 के लोगों तक जो हम राशन को पहुंचाते हैं। सर, जो बैजनाथ क्षेत्र के लोग हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधित कई दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान कैसे किया जा रहा है? उसके लिए जैसे बैजनाथ हॉस्पिटल में भी अलग से काउंटर हमने खोले हैं, महाकाल में भी अलग से है, और चढ़ियार में भी, और छोटा बंगाल भीड़ में, ऐसे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग काउंटर जो है इसके लगाए गए हैं, और जहाँ पर छोटी मोटी अगर समस्या होती तो वहाँ पर निपटाया जाता है, अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो उसको हम आगे आगे के लिए आगे भेजते हैं और उनके जो है पास बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आज मुझे लगता है कि मेडिकल की तरफ से कोई समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है। और मुझे ये भी मैं अपील आम जनता से करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की, फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे बताएं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे राशन के संबंधी कोई समस्या आ रही हो,
तो मुझे तुरंत फोन करें। और मुझे लगता है कि हाल ही में डिपुओं में 2 महीने का राशन जो आम जनता को मिल रहा है। अब मुझे शाम को ही फूड इंस्पेक्टर से मैंने बात की थी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि हमने राशन देना जो जारी कर दिया है। तो जो बीपीएल के परिवार हैं, अंत्योदय वगैरह जो है सारे, इनके लिए जो राशन का प्रबंध जो किया गया है, और साथ में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के माध्यम से, चाहे किसान के हैं चाहे पेंशन के हैं, ये सारे उनके खाते में जो पैसे जो डाले जा रहे हैं, जिसके लिए आज मैं इस के लिए जो बयान नरेंद्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी, और साथ में मैं केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा जी भी, और साथ में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस घड़ी में भी उनका जो है हमें संदेश मिलता रहता है, और एक कार्यकर्ता के रूप में हम वॉलंटियर के तौर पर जो वो काम कर रहे हैं, वो भी एक हमें उनका संदेश जो मिलता है उसको हम उसके लागू करते हैं, जिसके चलते हमारे बूथ स्तर पर भी हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। इस घड़ी में बैजनाक क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? इस विपत्ति की घड़ी में जनता से मैं ये कि मेरा यही संदेश है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको जो है उनका जो पालन करें। अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको मुझे बताएं, मैं उसको जो है निपटाने का प्रयास करूंगा, और उनकी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखूंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, यही मेरा कहना है।